से तौबा करते रहते शैतान चढ़े हैं। मेरे प्यारे लिखा है कि बारिश बंद नहीं हुई, इधर बारिश हो रही, इधर हो रही, पीछे हो रही, आगे हो रही, लेकिन मजमे में जो बैठा उसके ऊपर पानी का एक कतरा भी गिरेगा। जब वो बयान करते थे तो तू बारिश को इधर उधर करता था, ये नाले कारी है बदरी बयान करता, हवा को क्यों नहीं रोक देता अल्लाह? आए सबके आया, देख लो सामो कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली शाह है, पूरा मजमा बोले शाह है। आपको मालूम है एक एक सैफुद्दीन नाम का शख्स, मलिक सैफुद्दीन, उनके यहाँ बहुत देर के बाद लड़का पैदा हुआ, वह किसी के आप देखा होगा शादी के एक साल के बाद लड़का हो जाता है यार, कहता है चवल आदमी है, अभी दो साल, इनके यहाँ तकरीबन 10 साल के बाद लड़का हुआ, किनके यहाँ? अब मुर्शिद पाक का भी जिक्र हुआ है तो वो भी तबरकन कर देते हैं। मुर्शिद पाक की फरमाते ने, मुर्शिद पाक की भी जब हम इस तरह की गलतियां हाईलाइट करते हैं ना तो फिर मुर्शिद पाक को गुस्सा आता है, कहते हैं तू साढ़, तू मर, इसने अपने कमरे में मर जाना है जी, तू मर जाना है, तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए, तू साढ़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बह गए कीड़े कट कट के, तू मर जाना अपने कमरे ची बैठे बैठे कीड़े कट कट के। अच्छा वो स्टोरी पूरी पता के जे, एक खावंद दर्द बड़ी कहानी एक खावंद की है, जो मुरीद था एक बाबा जी का, उसकी जब शादी हुई तो उसकी बीवी जो है वो हाफजा थी, उसने कहा मैं तेनों नेड़े नहीं लगन देना जो तक तू भी वजनी करता, तो टाइम क्या मत आके ये मैं क्या, वो घबराया हुआ जो है ना वो बाबा जी के पास पहुंचा, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, वो जब वहां पहुंचा बाबा जी के पास, बाबा जी बड़े परेशान हुए, उनका कोई नहीं बेटा कर लेते हैं, तू फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ी, तो फजर की नमाज जब उन्होंने पढ़ी तो कहते हैं दाईं तरफ सलाम फेरा तो सारे हाफिज हो गए और बाईं तरफ फेरा तो सारे नाजरा हो गए। ये मौलवियों की सारी स्टोरियां औरतों से शादियों से शुरू हो गए, इसके ऊपर ही खत्म होती हैं। इत करामत विच भी है, पीछे व्याह वड़िया सी सरकार, असहाबे सूफा इस तरीके से अगर कुरान सीख जाते तो नबी अलैहिस्सलाम उनके ऊपर एफर्ट पुट करते, वो जलाल की ताब ना लाकर फौत हो गया, शहीद नहीं लिखा उन्होंने, फौत हो गया, तो पूरी जिंदगी बेचारा वजू करवाता रहा, अंत मर गया राम मौत, शहीद फिर भी नहीं होया, कोई फायदा नहीं होया बाबे नूं वजू कराने का। अच्छा ये बाबा जी को हम कुछ नहीं कह रहे, बाबा जी आपको नहीं कह रहे, बाबा जी आपको नहीं कह रहे, आपके मानने वालों को कह रहे हैं, आपने यकीनन ऐसे नहीं किया होगा, हम नहीं सोच सकते हरकत कर। फिर कहते हैं फिर एक नजर लोटे की तरफ मारी उसकी टूटी ठीक कर दी, तो हमने कहा कि खुदा के लिए ये इधर अगर नजर मार के टूटी ठीक हो जाती थी ठीक है, तो बंदा मारना जरूरी सी, कत्ले नहक कर दिया आपने यार। दुनिया का निजाम इस तरह नहीं चलता कि तू मीनारे से चली और मैं चबारे से चला है? और नहर वाले पुल से आगे मिल गए, कहते हैं कि वो वहां से चले और बुरीदनी को पकड़ कर उतार दिया नीचे। तो उसने बुखारे की तरफ मुंह करके कहा शया लिल्ला चू गदाए मुस्तमंद अल मदद खाहम ज़शाहे नक्शबंद, और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया, जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शमंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। हाँ पकड़ के उतारे है, याद रखना जे, हाँ नबी अलैहिस्सलाम ने कभी, बुखारी में अल्फाज है आयशा कहती है नबी अलैहिस्सलाम ने कभी किसी औरत को नहीं छुआ बैत करने के लिए भी, हाँ और तुहाडे पीर, और फिर नाम इस तरह लेते हैं ख्वाजा बाबूलक नक्शबंद, और तुसी पंजा भी नाल और रकाब ला दो सानू एक रत्ती बराबर फर्क नहीं पैंदा। इतने जवाब साढ़े स्टूडेंट सिर्फ इंजीनियर बोल देन ना, मेरा नाम पूरा भी ना बोलन तो सारे बाबे गायब हो जाते। जो तो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर फौत हुई, आपने किसी का तीजा चालीसवां दसवां नहीं किया, बल्कि आप ये जो लोग कर रहे हैं सिर्फ सवाल पूछे कि नबी इस्लाम ने अपनी किस बेटी का तीजा चालीसवां दसवां किया, तो आगे उसकी जो शक्ल बनेगी ना उससे आप आइडिया लगा लेंगे उसके पल्ले कोई जहर नहीं, वो खुद ही कहेगा जी वो तो कोई इस तरह तो नबी इस्लाम ने तो नहीं किया। तो जो चीज नबी इस्लाम ने तालीम नहीं फरमाई वो आपने खुद से दीन के अंदर दाखिल की हुई है, और बाकी लोगों को इतना पाबंद कर दिया कि जो नहीं करवाता वो कहते हैं देखो जी इसका बाप मर गया इसकी मां मर गई इसने तो कुछ भी नहीं किया। और फिर मदरसों से बकायदा, अब मुझे नहीं पता कई साल पहले तक तो ये
जब हम छोटे छोटे थे उस वक्त 300 रुपया तकरीबन रेट था, फिर बढ़ते बढ़ते अब तो शायद 1000 रुपए तक पहुंच चुका हो रेट एक कुरान का। और मुझे तो लगता है ये 1000 रुपए में भी सस्ता है। और अनस इब्न मालिक के अल्फाज हैं, मुझे हुजूर ने कभी ये नहीं कहा कि तूने ये काम क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। तुहाडे बाबे निगाहां मार के मुरीद साड़ दे, और हमारा पीर वो है कि जिसने 10 साल में कभी अपने उस मुरीद को ये भी नहीं किया कि ये कहो कि ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप तो कहते हैं कि हमारे गौस कुतुब तो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलने वाले होते हैं और हुजूर की सुन्नत पे चल चल के वो ये मर्तबा हासिल करते हैं। खेत है मिट्टी।